नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 20 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस मिले हैं हमें, जो अभी जस्ट मिले हैं, पहले नहीं मिल पाए थे, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉट 45 माइनस कॉसेक 60 इक्वल टू व्हाट। इस तरीके के आपके बहुत सारे वैल्यूज पुटिंग क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पर हमेशा फोकस करना है। आपको टेन के सारे वैल्यूज, कॉट के सारे वैल्यूज, साइन के वैल्यूज, कॉस के, कॉसेक के, सेक के सारे के वैल्यूज आपको हमेशा माइंड में रखने हैं, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो हमें इसमें करने क्या है, बस वैल्यू पुट करना है आपको। अगर वैल्यू याद है तो आप इसे आसानी से पुट कर सकते हो। कॉट 45 इक्वल टू होता है 1, माइनस कॉसेक 60 इक्वल टू क्या होता है, तो 2/√3। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो गया √3। एलसीएम लिया तो √3 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम इक्वल टू 90, एंगल एन इक्वल टू 60, देन फाइंड टेन एल। इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। हमेशा आपको एक ट्राइंगल दे देता है, उसमें एक एंगल आपको राइट एंगल रखता है और एक एंगल दे रखा है, और दूसरे एंगल के साथ टेन या कॉट कुछ में भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ये भी आपके बहुत आ रहे हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से देख लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करने क्या है, कह रहा है कि इन द ट्राइंगल एल एम एन, तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं एल एम एन। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया, कौन सा ट्राइंगल, तो एल एम एन, बिकॉज आपका एंगल एम बोल रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। आपको एंगल एन का वैल्यू दे रखा है 60 और हमसे पूछ क्या रहा है, तो टेन एल। तो हम टेन एल कैसे निकालेंगे, हमें तो एल एंगल की वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम यहाँ से एल एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 - 90 + 60। इस तरीके से हमारा एंगल एल आ जाएगा 30। तो टेन एल इक्वल टू टेन 30 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, तो 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट -0.56 एट एक्स एक्सिस। हमारा ये भी क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्शन के बहुत आ रहे हैं, आपको हमेशा एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं इसे, सॉरी याद नहीं करने, आपको मैथ्स को तो समझने होते हैं, तो आपको इसे समझने हैं। बिकॉज आप अगर 2-3 दिन से हमारे वीडियोस देखो, उसमें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आपको हर शिफ्ट में, हर डे पर डे आपको इससे क्वेश्चन आ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड मिरर से। तो हमने आपको इसके लिए इसके अलग वीडियो भी बनाए, उसमें हमने आपको इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, तो आप चाहे तो हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या, सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ से हमने बना दिया ये एक्स एक्सिस। हमसे बोल रहा है कि एक पॉइंट है -0.56, उसका हमें निकालना है किस पे रिफ्लेक्शन, तो एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट तो बना ले, ये हमारा हो गया, इधर जाता है पॉजिटिव और इधर जाता है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे ये हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में कहीं हमारा -0.5 है, ये आपका -1 है, ये -2, इस तरीके से चलते जाएगा -3, और यहाँ हमारा ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, एंड यहाँ हमारा हो गया 6। नीचे इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 यहाँ तक चला गया। अब हमारा जो क्वेश्चन दे रहा है हम उसे देखते हैं। हमें बोल रहा है फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट -0.56, तो हमें देखना है पॉइंट का है -0.5 और 6, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है फर्स्ट में, तो ये हो गया -0.5 और 6, यहाँ पे हमारा पॉइंट है -0.5 और 6। तो हमें इसका बोल रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, तो एक्स एक्सिस यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्शन निकालना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हो कितना जाएगा, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस देखें तो हमारा कितना है, तो 6 डिस्टेंस है, तो ये 6 डिस्टेंस हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा एक एक्सिस बनेगा -0.5 एंड -6, यही हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ़ a - b = 1, ab = 6, देन हमें फाइंड आउट करने aq - bq = what। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे भी आपको हमेशा याद रखने aq - bq के फॉर्मूले, aq + bq के फॉर्मूले, बिकॉज ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपने इसे याद कर लिया, इसे अच्छी तरीके से देख लिया, तो आपके ये क्वेश्चन एक बताए, एक मैंने आपको रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बताए, एक आगे बताऊँगी फ्रैक्शन के क्वेश्चन, और एक आपके वैल्यू पुटिंग जो हमने बताया ट्रिगोनोमेट्री की, ये सारे क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपको हमेशा आते हैं, तो आप क्यों ना इन 4-5 क्वेश्चंस को अपने माइंड में बैठा लो, ताकि आपको एग्जाम्स में से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसके, हमें बोल रहा है a - b = 1 हमें दे रखा है, ab = 6 दे रखा है, देन हमसे पूछ रहा है aq - bq = what।
तो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इसके लिए देखना होगा। मैं आपको हर वीडियो में इसके दो फार्मूलेज बता रही हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू सबसे फर्स्ट फार्मूला जो सभी को पते होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आप लोग सारे को पता होगा ये फार्मूले। बट हम इसे इस फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मालूम है, तो हम इसे दूसरे फार्मूले से, इससे भी आपका निकल जाएगा बट वो आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया और आपके एग्जाम्स में टाइम की कमी होती है, तो क्यों ना हम इसके दूसरे फार्मूले देखें। दूसरे फार्मूले आप देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। आप देखो तो इसे तोड़ के देखो तो ये इसी फार्मूले के रूप में आ जाएगा आपका, तो हम इसमें यही फार्मूले यूज़ करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, तो ए माइनस बी यानी कि वन इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सिक्स, इस तरीके से ये हो गया वन इंटू वन प्लस एटीन, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, तो नाइनटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारा और भी क्वेश्चन आपके जो आज आए हैं, इफ़ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 36:9 एंड ए बी इक्वल टू फोर देन फाइंड पी क्यू। हमसे कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, हमने माना कि एक ट्राइंगल हमारा जैसे कि आपको ए बी एंड पी क्यू के रूप में दिया, तो हमने माना एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, हमें ट्राइंगल ए बी सी ये हमारा है पी क्यू आर, हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया का रेशियो दे रखा है 36:9 एंड ए बी इक्वल टू 4 दे रखा है, तो पी क्यू इक्वल टू व्हाट। इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल से, तो आपको पता होगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो होता है वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के एरिया के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर यानी ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर। अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसका रेशियो दे रखा है 36:9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाई पी क्यू, हमें नहीं मालूम है, हमें ये फाइंड आउट करना है इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया 4। तो हम अगर पी क्यू की बात करें तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका 4, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ ए रैम्बस इज 14 and 16 देन फाइंड इट्स एरिया। हमसे दे रखा है कि एक रॉम्बस है जिसके कि डायगनल्स का लेंथ है 14 and 16, तो हमसे पूछ रहा है उस रॉम्बस का एरिया क्या होगा। तो अगर आपसे रॉम्बस की एरिया की बात करें तो हमारा इसका एरिया होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल। अब हम इसी चीज़ को यूज किए तो हाफ इंटू 14 into 16, तो ये हमारा हो गया 8, तो 14 जो हम जानते हैं 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन इससे भी आपको जैसा कि हमने आपको बोला था कि मैं आपको एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन बताऊंगी जिससे लगातार आ रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 56 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल बाय 3/4 फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमने आपको बताया था फ्रैक्शन के पिछले वीडियोज़ देखो, तो हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के जब भी क्वेश्चन आए तो हम फ्रैक्शन को एक्स मानते हैं। अब हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्रैक्शन जो है वो अपने रेसिप्रोकल के 56 टाइम्स से 3/4 ज़्यादा है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है हम वैसे वैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कह रहा फ्रैक्शन जो है अपने रेसिप्रोकल यानी 56/x रेसिप्रोकल के 56 टाइम्स हो गया, इससे 3/4 ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल दोगे यही हमारा फ्रैक्शन होगा। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ से एक्स माइनस 56/x इक्वल टू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 56 इक्वल टू 3/4x। अब यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप x का वैल्यू जो निकालोगे वही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन अबाउट 500 kg ऑफ एग फॉर 45,000 बट ड्यू टू रेन 10% एग्स स्पॉइल देन व्हाट मनी ही शुड सेल पर kg टू अर्न 10% प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक आदमी जो है 500 kg अंडे खरीदता है 45,000 रुपये में, बट बारिश के कारण उसके 10% अंडे खराब हो जाते हैं, तो वो पर केजी अंडे को कितने में बेचे कि उसे 10% खराब होने के बाद भी प्रॉफिट हो। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 10% एग्स हमारे क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे एग के बिजनेस में हमारा 10% का लॉस होने वाला था। तो 10% का लॉस होगा, तो 500 kg एग था, तो 500 kg में 10% हमारा लॉस होगा, तो हमारा एग कितना हो गया, तो टोटल हमारा हो गया 450 kg हमारे पास बच गया एग, बिकॉज 10% तो आपका लॉस ही हो गया, स्पॉइल हो गया, तो हमारे पास एक कितना बचा, तो 450 kg। और हमें प्रॉफिट चाहिए, कितने की प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्रॉफिट चाहिए 10% की। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए देखें तो हमसे पूछ रहे हैं मनी, तो प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 10% अगर हम प्रॉफिट का माना जाए तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, तो 45,000, बिकॉज हमें 45,000 पर केजी हमें बेचने थे, तो 45,000
इंटू आपके प्रॉफिट है तो 1.10% प्रॉफिट है तो 1.1, तो हम इसका पर केजी जो आपको प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है तो पर केजी प्राइस क्या हो जाएगा, ये तो टोटल प्राइस हो गया। 10% अंडे 10% हम प्रॉफिट पाने जाते तब हम पाना चाहते तब हमारे इसमें प्रॉफिट कितना हो गया 45,000 इंटू 1.1। अब हमें पर केजी प्राइस निकालने तब कितने हो जाएंगे तो 45,000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई आपका 450 केजी बचा है तो डिवाइडेड बाई 450 केजी, बिकॉज ये तो टोटल का प्राइस था ना तो हमें 450 डिवाइड करना पड़ा। अभी हमारा 10 नीचे गया, ये 10 0 ये 0, तो इस तरह से हमारा इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 45 से ये कटा ये 10, तो हमारा प्रॉफिट हमारा पर केजी हमें इसे कितने में बेचना होगा ताकि प्रॉफिट हो जाए तो 110 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी से पूछा था, आपको दे रखा था एन का वैल्यू कितना, एक वन मिनट मैं आपको बता रही हूँ, आपको एन का वैल्यू दे रखा था कितना तो 13, हमारे एन का वैल्यू दे रखा था 13। आपको एपी से बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम्स में लगातार आ रहे हैं तो आपको इसे भी अच्छे तरीके से समझ लेने, इसके फॉर्मूले इसको याद कर लेने। एक आपको दे रखा है टी एन इक्वल टू 13, ए इक्वल टू माइनस 30 एंड टी एन लास्ट नंबर आपका दे रखा है 26, जिसे हम टी एन बोलते हैं, तो टी एन इक्वल टू 26 हमें दे रखा है, हम या फिर बोले कि लास्ट नंबर हमारा 26 दे रखा है। तो इसके लिए आपको दो फार्मूले, बिकॉज एपी आपके लगातार एग्जाम्स में आ रहे थे, हम इसके दोनों फार्मूले आपको बता देते हैं। एक हमारा टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे थे क्या, ये तो हमने बताया ही नहीं, क्वेश्चन आपका पूछा था सम पूछा था, तब हम क्या करेंगे, माइनस 10 से लेकर 26 तक का सम पूछा था, जिसका कि आपके इसके बीच में 13 नंबर्स थे, तो हम इसमें क्या करेंगे, बिकॉज हमसे पूछ रहा है अगर आपका डिफरेंस दिया हुआ रहता तो हम सम के लिए दूसरा फार्मूला यूज़ करते, बट हमारा डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो हमारा एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन वाई टू इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, हम इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर देंगे, तो 13y2 इंटू माइनस 10 प्लस लास्ट डिजिट 26, इस तरीके से हो गया 13y2 इंटू 26 माइनस 10 कितना हुआ तो 16, अब यहाँ से ये 8 तो 13 जो 104, यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना है, जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको लेके जल्दी आपके पास हाजिर होंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।